अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय नूर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ओके सो आज मैं आप लोगों के लिए ये ग्लिटरी स्मोकी से आई मेकअप लुक लेके आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने आई लुक कैसे क्रिएट किया है। बिगनर फ्रेंडली आई लुक है, आप लोग ईजिली इसको किसी भी ओकेजन पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अफोर्डेबल मेकअप के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मेक श्योर वीडियो में जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी हिट कर दिया करें। तो फटाफट से हम अपना ट्यूटोरियल जो है स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने बेस वगैरह जो है वो बना ली है। आईब्रोज भी मैंने फिल कर लिए हैं क्योंकि अगर बेस एंड आईब्रोज वगैरह भी बना दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ओके सो आई शुड पैलेट, आज मैं ये ब्यूटी ग्लेस्ड की बुक पैलेट जो है वो यूज़ करी हूँ। इसके अंदर हमें 3 पोर्शन जो मिल जाते हैं। फर्स्ट वन हमें यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्राउन टोन्स में हमें कलर्स मिलते हैं। सेकेंड वन में हमें जी पर्पल एंड पिंक्स में मिल जाते हैं। एंड द थर्ड वन हमें ब्लूज एंड ग्रीन्स मिल रहे हैं इसके अंदर। ओके जी, तो आज मैं फर्स्ट वाला जो पार्ट है वहाँ से मैं ये पीची पिंक सा शेड ले रही हूँ एक बड़े फ्लफी ब्रश पे, और इसको मैं अपने एज ए फर्स्ट ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। शेड को पहले मैंने हल्का हल्का डैब डैब करके जो है वो अपनी क्रीज़ में अप्लाई किया है, और इसको मैं हल्के हल्के स्ट्रोक्स के साथ जो है वो ब्लेंड आउट करूँगी एकदम से। कभी भी आपने जो है इतना ज़्यादा कलर पिक नहीं कर लेना, नहीं तो वो आई मेकअप जो आपका मैसी कर देगा। और ब्रशेज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ब्रशेज़ के बारे में आपको जो है वो सारा अच्छी तरह से पता होना चाहिए बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स को ब्रशेज़ के बारे में ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं होता। तो क्रीज़ में हमेशा ब्लेंडिंग करने के लिए हमें एक बड़े फ्लफी ब्रश की ज़रूरत होती है। और जी यहाँ पर मैंने कलर को अप्लाई कर लिया था, देन मैंने उसको अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड आउट कर लिया। देन मैंने यहाँ पर एक क्लीन ब्रश लिया है, पहले वाले ब्रश के साथ मैंने ब्लेंडिंग की, अब उसको और सीमलेसली ब्लेंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ, और उसके साथ मैं अच्छी तरह से दोबारा अपने कलर को जो है वो ब्लेंड आउट करूँगी ताकि हार्श लाइन ना रहे। इसके बाद जी मैंने ये ब्राउन ऑरेंज सा कलर लिया है पहले वाले फ्लफी ब्रश पे, और जो पहले मैंने पीची पिंक शेड अप्लाई किया था उसके ऊपर ही मैं उसको जो है वो पहले डैब डैब करके अप्लाई करूँगी और हल्के हाथों से ब्लेंड आउट कर दूँगी। देन अगेन मैंने सेकंड फ्लफी ब्रश लिया है, इस पर कोई कलर मैंने पिक नहीं किया, और इसको मैं जो है अगेन अच्छी तरह स्ट्रोक्स देखते हुए जो अपने कलर को सीमलेसली ब्लेंड आउट करूँगी ताकि हार्श लाइन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और हमारे कलर्स जो हैं वो सीमलेसली अच्छी तरह से जो है ब्लेंडेड लगें। देन सेम पैलेट से मैंने ये वाइट सा शेड लिया है, और इसके साथ जी मैं अपने ब्राउबोन एरिया को जो है हाईलाइट करूँगी, और सेम इसी कलर के साथ मैं अपने टियर डक्ट एरिया इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। देन सेम पैलेट से मैंने ये डार्क सा एक शिमर शेड लिया है, और इसको मैं अपने आईलिड एरिया पर जो है अप्लाई कर लूँगी। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली कोई भी कलर जो है वो अप्लाई करके आई मेकअप लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी, और 5 मिनट आई मेकअप लुक आप फटाफट से इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, कलर को मैंने अच्छी तरह से फिंगर के साथ अपनी आईलिड पर जो है अप्लाई कर लिया है, और अब मैंने फ्लैट ब्रश पर वही सेम कलर लिया, और उसके मैं एजेस को जो है वो नीट कर रही हूँ इनके सीमलेसली उसको पूरी आईलिड पर जो है अप्लाई कर रही हूँ ताकि गैप्स अगर कोई हैं तो वो भी फिल हो जाएँ। ओके जी, कलर अप्लाई कर लिया, अब उसके जो एजेस ऊपर बन गए ऊपर क्रीज कलर के साथ उसको मैं उस फ्लफी ब्रश के साथ जो मैं ब्लेंड आउट करूँगी। ब्रश में मैंने अब कलर पिक नहीं किया, जस्ट उसके एजेस को मैं ब्लेंड आउट करूँगी ताकि दोनों कलर जो क्रीज कलर एंड लिड कलर आपस में ब्लेंडेड लगें। हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ मैं दोनों आइज़ पर जो है कलर को अच्छी तरह से जो है ब्लेंड आउट कर दूँगी। ओके देन सेम पैलेट से मैंने जी ये कॉपर सा ग्लिटर शेड लिया है, और इसको जी मैं अपनी पूरी लिड पे अप्लाई कर दूंगी जहाँ पे हमने शिमर शेड जो है अप्लाई किया था। अच्छी तरह से ग्लिटर्स जो है मैंने भर भर के अप्लाई किए हैं साई लुक में। अच्छी तरह से मैं पहले इस ग्लिटर को जो है अप्लाई करूंगी, देन अगेन मैंने सेकंड वाला जो पोर्शन उसके अंदर से मैंने ये वाला ग्लिटर शेड लिया है, और इसको भी मैं ऊपर डैब डैब करके अच्छी तरह से ग्लिटर जो है अप्लाई कर लूँगी आई लिड पर। पूरी लिड पर अप्लाई करना। ओके जी, ग्लिटर्स यहाँ पे हमारे अच्छी तरह से अप्लाई हो गए हैं, और मैंने इनको ब्लेंड आउट भी कर लिया है इनके अगर जो ऊपर क्रीज एरिया में हल्के से ग्लिटर्स लगे थे मैंने ब्रश के साथ उनको डस्ट ऑफ कर दिया था। देन अगेन जो मैंने वो ऑरेंज सा शेड लिया था जो सेकंड मैंने शेड अप्लाई किया था उसको मैंने कट ब्रश पर लिया है, और अपने नीचे लोअर लैश लाइन पर हाफ पे मैंने अप्लाई किया, पूरी पर अप्लाई नहीं किया। ऊपर ज़रा हमारे डार्क कलर्स हो गए इसलिए मैंने लोअर लैश लाइन को जो ज़रा सॉफ्ट ही रखा है। कलर अप्लाई करके मैंने फ्लफी ब्रश के साथ उसको इनके लास्ट पर ही जो है मैंने ब्लेंड आउट कर दिया, पूरी लोअर लैश लाइन पर मैंने अप्लाई नहीं किया, एंड एरिया पर जस्ट अप्लाई किया। ओके, जो व्हाइट शिमर शेड मैंने आपको पहले दिखाया था जो मैंने इनर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन पे लगाया था उसी को मैं अपने फ्रंट लोअर लैश लाइन पर भी जो है अप्लाई कर लूँगी। देन जी यहाँ पे मैं मिस रोज़ की न्यूड पेंसिल जो है अपने आइज़ में अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग ब्राउन काजल भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस लुक के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करना था, बट मैंने न्यूड आई पेंसिल जो है वो यूज़ की है। ओके जी, मस्कारा इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ, फिटमी का मस्कारा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का मस्कारा, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
और इसको जो मैं भर भर के अपनी जो है वो लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लैशेस को जो है क्लम्पी नहीं कर रहा, जोड़ नहीं रहा, उनको सेपरेट कर रहा, उनको वॉल्यूम दे रहा, उनको लेंथ भी जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस लुक में लैशेस जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहते फॉल्सेस, आप एक अच्छा सा मस्कारा जो है वो इस तरह का यूज़ कर लें और आप इस लुक को विदाउट फॉल्सेस भी जो है वो कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। ओके जी, लोअर लैश लाइन पर लोअर लैशेस पर भी मैं मस्कारा जो है अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। ओके जी, फॉल्सेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी और इसके साथ ही जो है मेरी आज की आई मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको आई लुक अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी हिट कर दिया करें ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बाकी फर्दर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक किया करें, प्रोडक्ट्स की डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी। और मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें, और भी काफ़ी नई मज़े की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर चेकआउट करें। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से आई मेकअप के साथ। अल्लाह हाफिज़।